रेप की कोशिश के आरोप में फंसे जिस नवाब सिंह यादव से सपा किनारा कर रही है वो कोई लोकल नेता नहीं है। आपको बताते हैं कि नवाब सिंह यादव का कैसे रसूख कन्नौज में चला करता था। अखिलेश यादव का करीबी बताया जाता है नवाब सिंह यादव को। डिंपल यादव का पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है नवाब सिंह यादव। कन्नौज में मिनी सीएम के नाम से फेमस है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है नवाब सिंह यादव के बारे में कि अगर डिंपल यादव या अखिलेश यादव से मुलाकात करनी है तो पहले आपको नवाब सिंह यादव से पूछना होगा। नवाब सिंह यादव ये तय करता था कि अखिलेश यादव और कन्नौज में डिंपल यादव किससे मुलाकात करेंगे और किससे मुलाकात नहीं करेंगे। अब उसी नवाब सिंह यादव से अपना पल्ला समाजवादी पार्टी झाड़ रही है। कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे तब से वो नवाब सिंह यादव अखिलेश के साथ है। अखिलेश के बाद नवाब सिंह यादव ने डिंपल को भी चुनाव लड़ाया और उन्हें चुनाव जिताया भी। ये तस्वीर आप देख लीजिए ना, बेशक किनारा करें लेकिन नवाब सिंह यादव की पूरी कुंडली ये बताती है कि उसका समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रहा। साल 2012 में लोकसभा उपचुनाव में डिंपल को जिताने की जिम्मेदारी नवाब सिंह यादव पर थी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव की रैली में अखिलेश और राहुल के साथ मंच पर नवाब सिंह यादव नजर आया था। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीते 5 साल से नवाब सिंह यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए नवाब सिंह यादव से हमारा कोई भी नाता नहीं है। लेकिन आप पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टैंड समाजवादी पार्टी ने लिया है थोड़ा बेमानी नजर आता है। साल 2000 की बात करिए तो कन्नौज से अखिलेश का पहला चुनाव, इसी चुनाव में लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष था नवाब सिंह यादव। साल 2006 की अगर बात करें तो कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख रह चुका है नवाब सिंह यादव, जिस पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा है, उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी जब चौतरफा घिरी, भारतीय जनता पार्टी ने जब अटैक करना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी पार्टी का नेता है। अब इस स्टैंड में और इस तस्वीर में कितना फासला है ये आप देख लीजिए। मंच पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, संजय सिंह बैठे हुए हैं, संयुक्त रैली नजर आ रही है और यहां बैठा हुआ है नवाब सिंह यादव। ये संयुक्त रैली है इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे उस रैली में, आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे और ये देखिए, ये है नवाब सिंह यादव जिससे समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है कि नवाब सिंह यादव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर कोई रिश्ता नहीं है तो इस रैली में मंच पर नवाब सिंह यादव क्या कर रहा था, किस हैसियत से नवाब सिंह यादव इस मंच पर मौजूद था। ठीक, अखिलेश यादव के पीछे वो मौजूद है और ये रैली सिर्फ समाजवादी पार्टी की रैली नहीं है, ये रैली है इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली, कोई बहुत पुरानी रैली नहीं है, 2024 का ये मामला है और इस 24 के चुनाव में नवाब सिंह यादव की क्या भूमिका थी, ये मंच पर मौजूद नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बता रही हैं। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज भी नवाब सिंह यादव की तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। इस होर्डिंग में अखिलेश यादव की फोटो भी है। अब ये है नवाब सिंह यादव जो फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टर आप देखिए ना, इस पोस्टर में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं और यहां पर आपको बड़ा सा एक फोटो अखिलेश यादव का भी नजर आ जाएगा। अमूमन पार्टी के जो नेता होते हैं वो ऐसे पोस्टर लगाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं त्योहारों की। अगर नवाब सिंह यादव से आपका कोई रिश्ता नहीं था तो ये पोस्टर कैसे लग गए, आपने पोस्टर लगाने की इजाजत नवाब सिंह यादव को कैसे दे दी। और ये पोस्टर कहीं चौक चौराहे पर नहीं बल्कि पार्टी के दफ्तर में लगा हुआ है। सवाल यह है कि अगर नवाब सिंह यादव से आपका रिश्ता नहीं था तो आपने ये पोस्टर कैसे लगने दिए, या फिर नवाब सिंह यादव पर विवाद बढ़ा तब जाकर समाजवादी पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ और नवाब सिंह यादव को पार्टी से किनारा करते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। अब आइए आपको नवाब सिंह यादव की गाड़ी दिखाती हूँ जिस पर आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। कन्नौज का चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय जिसका नवाब सिंह यादव प्रबंधक है, उसकी गाड़ी आप देखिए और गाड़ी पर लगा हुआ आप ये झंडा देखिए। ये झंडा बता रहा है कि नवाब सिंह यादव का जो ताल्लुक है वो अभी भी समाजवादी पार्टी से है। आप देखिए जो कॉलेज में नेम प्लेट लगी हुई है उसमें भी आप देख लीजिए, कॉलेज का शिलापट्ट आप देख लीजिए, वहां पर भी आपको उसका नाम नजर आ जाएगा, अखिलेश यादव का नाम आपको नजर आ जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि बेशक समाजवादी पार्टी ये कह रही हो कि नवाब सिंह यादव से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तस्वीरें और डिटेल्स ये बताने के लिए काफी हैं, ये झंडा बताने के लिए काफी है, मंच पर नवाब सिंह यादव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नवाब सिंह यादव पार्टी में सक्रिय था।
हम इस समय कन्नौज के चंदन सिंह महाविद्यालय में मौजूद हैं, जहां बीती रात जो घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। अयोध्या के बाद नाबालिग के साथ जिस तरीके से बर्बरता करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से छेड़खानी करने की कोशिश की गई, उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। ये वो महाविद्यालय है जहां नवाब सिंह यादव ने पिछले लंबे समय से महाविद्यालय बना रखा है, और किस तरीके से ये बड़े कैंपस में फैला हुआ महाविद्यालय है, जहां आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से, कितने बड़े प्रमाइसिस में इसको बनाया गया है, और उसी भव्य प्रमाइसिस के अंदर किस तरीके का घिनौना काम हल करने की कोशिश की नवाब सिंह यादव ने, जिससे फिलहाल समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से जो पल्ला है वो झाड़ लिया है। ये दरअसल वो रूम है जिसकी पीड़िता की तरफ से जब पुलिस यहां पहुंची है तो जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में दिख रहा है कि इसी दरवाजे को खोल करके पुलिस अंदर गई है, और अंदर जाने के बाद जो वीडियो दिखा है जिसमें नवाब सिंह यादव अंदर लेटा हुआ पाया गया है, और जिस तरीके से उसने अंडरगार्मेंट्स पहन रखे थे, लड़की की जो बुआ थी वो भी वहां पर बैठे बातचीत कर रही थी, और जो यहां पर गाड़ी खड़ी है UP74Q 1000 VIP नंबर है, और समाजवादी पार्टी का झंडा भी इस गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में लगा हुआ है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से इस मामले में पल्ला झाड़ रही है नवाब सिंह यादव का। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो ना तो सक्रिय सदस्य था और पार्टी से उसको पहले ही बाहर किया जा चुका है, लेकिन कन्नौज में राजनीति करने वाले सभी लोग बताते हैं कि नवाब सिंह यादव का किस तरीके का संबंध समाजवादी पार्टी से था, और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख लोग हुआ करते थे उस तरीके से उसकी क्लोजनेस थी। डिंपल यादव जब कन्नौज से सांसद हुआ करती थी तो नवाब सिंह यादव उनके सांसद प्रतिनिधि भी हुआ करते थे, लेकिन 2019 के चुनाव हारने के बाद सांसदी के तौर पे जब डिंपल यादव सांसद नहीं रह गई तब नवाब सिंह यादव को भी अपने पद से हाथ गंवाना पड़ा था, और एक वक्त तो ऐसा था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बेहद करीबी कहा जाता था नवाब सिंह यादव को।